नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग अभी क्लास नाइन्थ के मैथ्स का चौथा अध्याय पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब हम लोगों को इस पार्टिकुलर वीडियो में इस अध्याय से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल हैं उन सबों को देखना है और समझना है उसका हल। उससे पहले हम लोग ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या अर्थ होता है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आने वाले समय में सभी विषयों की पढ़ाई होने वाली है और आपका लाइव क्लास भी बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। तो देखिए, दो चर का अर्थ क्या है आप समझ रहे होंगे। चर जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, जैसे कि एक्स वाई जेड है ना, ए बी सी डी है ना, इस तरह से अल्फा बीटा गामा, ये सब जो है जो कि चर कहलाते हैं, है ना। क्योंकि x का मान हमेशा बदलते रहता है, किसी प्रश्न में कुछ और मान आ जाएगा, किसी प्रश्न में कुछ और मान आ जाएगा, है ना। तो इन सबों का मान हमेशा बदलते रहता है, इसलिए इसको चर कहते हैं। तो अब क्या है, अब कह रहा है कि दो चर। इससे पहले आप लोगों ने जब जितने भी सवाल पढ़े होंगे उसमें एक चर की बात हुई होगी, है ना, माने कि एक एक्स रहा होगा उसी का मान निकालना पड़ता होगा। अब क्या है कि दो गो चर रहेगा, माने एक एक्स एक वाई, है ना, माने दो गो चर रहेगा, दो गो अज्ञात वैल्यू रहेगा, है ना, और उसका वैल्यू जो है वो आपको ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। तो ये आपको करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि ये कैसा होना चाहिए, रैखिक समीकरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण या फिर रैखिक बहुपद का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। रैखिक समीकरण माने जिसका अधिकतम घात एक हो, अधिकतम घात कितना हो, एक हो। देखो, थ्री एक्स का पावर कितना है, एक है, वाई का पावर कितना है, एक है, वही हो जाता है थ्री एक्स का स्क्वायर, तो इसका घात कितना हो गया, दो हो गया। तो ये रैखिक समीकरण नहीं है, है ना। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण जो है उसकी चर्चा की गई है इस पाठ में, ठीक है। इस पाठ में दो चर वाले रैखिक समीकरणों की बात की गई है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का अर्थ क्या है कि उसमें दो चर होगा, एक्स और वाई दोनों होगा, और रैखिक होगा, मतलब कि उसका अधिकतम घात एक होगा। तो ये बातें आपको याद रखनी है। और इसके साथ साथ देखो, इसको जब हम लोग लिखते हैं तो इसको कहते हैं हल। क्या कहते हैं, हल या फिर नियामक, है ना। ये जो पहले वाला लिखा गया रहता है ये x होता है, और दूसरा वाला जो लिखा गया रहता है ये y रहता है, ठीक है बाबू। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। तो अब इसका अर्थ क्या है ये भी समझ लो। ये जो पहला सवाल है कि नियामक चार और चार इनमें से किस रेखा का हल है, है ना। तो इसका मतलब है कि ये कौन सा समीकरण है जिसमें x के जगह पर चार रखने पर और y के जगह पर भी चार रखने पर दोनों जो है जो कि इस समीकरण में फिट बैठ जाएगा। माने कि यहाँ पे x का वैल्यू चार रख दो, यहाँ पे x का वैल्यू चार रख दो, तो दोनों का मान कितना आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए, माने कि 12 के बराबर आना चाहिए, है ना। और एक और बात याद रखना कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो साधारण रूप होता है वो होता है ax प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, है ना। इसी को साधारण रूप या फिर बृहद रूप कहते हैं। तो चलो आप लोग सब अब हम लोग सवाल बनाते हैं। पहला सवाल है कि नियामक चार और चार इनमें से किस रेखा का हल है। तो x पहले वाला जो है x का वैल्यू और दूसरा वाला y का वैल्यू है, तो x के जगह पर चार रख दो। सब में अब रख के देखेंगे किस में फिट बैठ रहा है। तो यहाँ देखो, x के जगह पर चार रखोगे तो चार दूनी आठ जोर तीन वाई है, तो वाई के जगह पर चार रखो तो चार तीन बारह, बारह आठ कितना होता है, बीस होता है। तो ये हमारा इस पर फिट नहीं बैठा। अब दूसरे वाले पे देखो, x के जगह पे चार रखना है तो चार तीन बारह, और y के जगह पर भी चार रखना है तो चार दूनी आठ, बारह आठ बीस हो गया, ये भी फिट नहीं बैठा। यहाँ देखो, अब x के जगह पे चार रखना है तो चार दूनी आठ माइनस तीन है, और y के जगह पे क्या रखना है, चार रखना था, चार तीन बारह, तो आठ माइनस बारह कितना होता है, माइनस चार आता है। देखो तो माइनस चार है कि नहीं, तो इस पर फिट बैठ गया। तो ये हो गया हमारा सही आंसर। इस तरह से करके हमें बाकी सारे सवालों को भी बनाना है। अगला सवाल देखो, जिस बिंदु का नियामक y और y है वह बिंदु किस रेखा पर स्थित होगा, है ना। और यहाँ पर मैं आपको कुछ और बात भी याद दिला देना चाहता हूँ, जो कि पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी रैखिक समीकरण का कितना हल होता है, एक हल होता है। अगर उसमें एक ही चर है तब, अगर उसमें एक ही चर है तब, माने कि एक ही अज्ञात पद है तब, माने कि सिर्फ x है तब, ठीक है ना। लेकिन जब उसमें x और y दोनों है, मतलब कि रैखिक समीकरण भी और दो चर है, कितना चर है, दो चर है, ठीक है। तो सवाल ये पूछेगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होते हैं, है ना। हम लोग अनगिनत हल उसका निकाल सकते हैं। और अगर एक चर वाला रैखिक समीकरण है तो उसका एक ही हल होगा, मतलब कि उसका अद्वितीय हल होगा। तो इस बात को याद रखना, ठीक है। अब चलो अगला सवाल है कि जिस बिंदु का नियामक ए और ए है वह बिंदु किस रेखा पर स्थित होगा। तो ध्यान समझना पहले, है ना। देखो, ए और ए कहने का मतलब क्या है कि x का वैल्यू a है और y का वैल्यू a है, मतलब कि दोनों क्या है, बराबर है, यानी एक एक दो दो
तीन तीन, कुछ इस तरह से इसका हल निकलेगा। दोनों का निकलेगा बराबर निकलेगा, मतलब कि वह बिंदु कहाँ स्थापित होगा, रेखा वाई से जितनी दूरी पर होगा एक्स से भी उतनी ही दूरी पर होगा। तो सही आंसर है इसका सी, दोनों क्या है बराबर है, तो वाई और एक्स दोनों बराबर होगा। अगला सवाल है, नियामक दो एक पर एक्स तथा वाई के से निरूपित कितनी सरल रेखाएं खींची, कितनी सरल रेखाओं का हल हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान समझना, अब ध्यान से देखो इस प्रश्न को, ध्यान से मतलब कि साधारणतः समझो कि दो और एक है, मैंने एक्स का वैल्यू दो है और वाई का वैल्यू एक है। तो देखो एक दो, यहाँ पर एक्स का वैल्यू दो मिलेगा और वाई का वैल्यू एक यहाँ पर मिलेगा। ये दोनों कहाँ पर काटेंगे एक दूसरे को, यहाँ पर। तो यही कहलाएगा बिंदु दो और एक, सॉरी दो और एक। पहले लिखते हैं एक्स वाले को, बाद में वाई वाले को। ठीक है, तो देखो इस बिंदु से कितनी सरल रेखाएँ होकर गुजर सकती हैं बताओ, तो इस बिंदु से कितनी सरल रेखाएँ होकर गुजर सकती है। साधारणतः समझो कि किसी एक बिंदु से अनगिनत रेखाएँ खींची जा सकती है। देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला बिंदु यहाँ पे सॉरी है ना, तो ऐसे ऐसे जितना रेखा चाहे हम लोग उतना खींच सकते हैं, माने कि अनगिनत रेखा खींच सकते हैं। और जब अनगिनत रेखा खींच सकते हैं तो इसका मतलब है कि दो और एक अनगिनत सरल रेखाओं का हल होगा। कितनी रेखाओं का, अनगिनत। तो सही आंसर है इसका सी। अगला सवाल है, बिंदु माइनस चार और पाँच तथा माइनस चार और माइनस छः को मिलाने वाली रेखा से जुड़ी कौन सी बात सत्य है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, x का वैल्यू भी माइनस चार है और इसमें भी x का वैल्यू माइनस चार है, माने कि दोनों जो बिंदु है उसका x का वैल्यू एक ही जैसा है। तो कहाँ जाएगा, x पे तो एक ही पॉइंट है, तो किसकी तरफ बढ़ेगा, y की तरफ बढ़ेगा, यानी कि कुछ इस तरह से होगा। ग्राफ देख लो यहाँ पर, है ना, माइनस चार है, किधर रहेगा, इधर रहेगा। तो माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन और माइनस चार, यही होगा ना। तो x का वैल्यू हो गया माइनस चार यहाँ पे, दोनों p का भी और q का भी, तो e किधर जाएगा, इधर जाएगा, नहीं तो इधर जाएगा, तो किसके समांतर होगा, y के समांतर होगा। अब करके भी देख लो, इस यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे y का वैल्यू पाँच कह रहा है, तो पाँच कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो मान लो एक दो तीन चार और पाँच यहाँ पे आया, तो ये वाला बिंदु कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, पी आ गया यहाँ पे माइनस चार और पाँच। ठीक है बाबू, अब क्यू का क्या कह रहा है, माइनस चार और माइनस छः, माइनस छः कहाँ जाएगा, वाई का नीचे की तरफ। तो ये हो गया माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पाँच और माइनस छः, कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, है ना। ये हो गया तुम्हारा क्यू माइनस चार और माइनस छः। देखो तो यही वाला पंक्ति ना, इस दोनों को मिलाओगे तो यही वाला लाइन ना है ना। तो ये वाला लाइन क्या है, इस वाई एक्सिस के समांतर है कि नहीं है, वाई अक्ष के समांतर है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि एक्स वाला तो दोनों बराबर है, एक्स वाला तो इसी के सामने ही रहना है ना। तो भागेगा कहाँ, ऊपर चाहे नीचे भागेगा, ऊपर या नीचे जाएगा किसके समांतर होगा, वाई के समांतर होगा। सही आंसर हो गया इसका वाई के समांतर। तो यहाँ देखो पी क्यू समांतर है वाई अक्ष के, कहाँ पे है, ए ऑप्शन में ही है। तो ये हो गया आपका हमारा सही आंसर। अगला सवाल है, रेखा सी डी का समीकरण क्या होगा, और उसके अगला सवाल है रेखा ई एफ का समीकरण क्या होगा। तो ये दोनों सवाल जो है ये आपका फोटो से जुड़ा हुआ है, मतलब कि ग्राफ से जुड़ा हुआ है, और ये ग्राफ यहाँ पे है ना, आपके किताब में हो सकता है कि ग्राफ ऊपर में ही हो, लेकिन इसमें यहाँ पर है। सबसे पहले सवाल में क्या पूछा था, सी डी का समीकरण क्या होगा। तो देखिए सी डी ग्राफ जो है वो यहाँ पर है, ये वाली लाइन जो है ये सी डी का है, और इसका हल कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है दो और जीरो, है ना। इसका मतलब क्या है कि एक्स का मान दो रखने पर वाई का मान क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो बस इतना याद कर लो, इसी की जरूरत है सवाल बनाने के लिए, दो और जीरो। अब आ जाओ सवाल पे वापस, है ना। तो सी डी का समीकरण जो है उसका हल दिया हुआ है दो और जीरो, क्या दिया हुआ है, दो और जीरो। चलो अब इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। सी डी समीकरण का हल क्या दिया है, दो और जीरो। चलो यहाँ पर लिख लो, इस समीकरण का हल है दो और जीरो, है ना। इसका मतलब क्या है कि एक्स का मान दो रखने पर वाई का मान जीरो आता है। ठीक है, तो अब सारे समीकरण में क्या करो कि एक्स के जगह पर दो और वाई के जगह पर जीरो रख के देखो, जहां पर भी जिसमें भी ये फिट बैठेगा वही क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे वाई है, तो वाई के जगह पर जीरो रख के देखो तो क्या हो जाएगा, टू इंटू एक्स के जगह पे क्या रखना है, टू रखना है, माइनस क्या हो गया, फोर माइनस फोर आ गया जीरो। तो दोनों तरफ बराबर आ गया, इसका मतलब कि ये जो है ये हमारे सी डी का समीकरण होगा, क्योंकि एक्स और वाई का जो वैल्यू दिया हुआ है, जो हल दिया हुआ है, उसको इसमें रखने पर क्या रहा है, इसका हल निकल जा रहा है, दोनों तरफ बराबर आ जा रहा है। उसी तरह देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर वाई को एक तरफ रखोगे तो दूसरी तरफ क्या चला जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा फोर एक्स और माइनस एट, है ना। तो देखो दोनों समीकरण एक ही जैसा है, टू एक्स माइनस फोर था यहाँ पे फोर एक्स माइनस एट है, दो से गुना कर दिया है, है ना। और दो से गुना किया तो इसमें भी किया और इसमें भी, माने कि टू एक्स में भी और फोर में भी, तो घटेगा तो जीरो तो होना ही है। अब देखो
फोर एक्स की जगह पे क्या है, दो है, चार गुने दो आठ माइनस आठ जीरो आ गया, और y का वैल्यू जीरो दिया हुआ पहले से, y का वैल्यू जीरो दिया हुआ, दोनों तरफ बराबर आ गया। इसके मतलब कि ये दोनों जो है एक ही तरह का समीकरण है ना, और इस दोनों को क्या किया जा सकता है, CD का समीकरण लिखा जा सकता है। ठीक है, तो A और B दोनों हमारा सही आंसर होगा, A और B दोनों है ना, A और B दोनों सही आंसर होगा इसका C। ठीक है, क्योंकि इस दोनों में रखने पर वो फिट बैठ जाए, देखो इसमें रखोगे तो नहीं फिट बैठेगा, दो और जीरो था ना, एक और वाई का देखते हैं, चलो दो और जीरो है तो x के जगह पे दो रखना होगा, यानी यहाँ पे रखना होगा फाइव गुने दो है ना, और y के जगह पे क्या रखना होगा, जीरो रखना होगा, तो जीरो, तो देखो ये पूरा तो कट के जीरो हो गया, ये क्या माइनस दस, लेकिन इसका हल क्या दिया हुआ, बराबर में छह दिया हुआ, तो दोनों तरफ बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब है कि ये हमारा आंसर नहीं होगा है ना, और आपको जो किताब मिलेगा उसमें इसको सुधार के दिया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, रेखा ई एफ का समीकरण क्या होगा, तो चलो फिर ई एफ का हल देखते हैं, फोटो जैसे भी थोड़ा सा इधर साइड में, ई एफ कहाँ पे देखो, ई एफ देखो यहाँ पे है ना, ये वाला ग्राफ है ना ई एफ, ठीक है, और ई एफ देखो यहीं पर है, यहाँ पर है, इसका हल दिया हुआ है क्या, जीरो और माइनस टू, जीरो और माइनस टू का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे कहाँ पे है, जीरो पर है ना, और वाई एक्सिस पे कहाँ पे है, माइनस दो पर है, कहाँ पे, माइनस दो पर है। चलो तो अब हम लोग क्या करते हैं कि बस इतना याद रखो और फिर सवाल की तरफ आ जाओ है ना। क्या था, जीरो और माइनस टू था, चलो लिख लेते हैं उसको यहाँ पर, जीरो और माइनस टू। अब क्या करना है, x के जगह पे जीरो रखना है और y के जगह पर माइनस टू रखना है, और रख के देखना है किस पे हमारा जो समीकरण है वो फिट बैठता है। तो देखो टू इंटू एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, थ्री इंटू माइनस टू क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स हो जाएगा, और प्लस सिक्स, देखो माइनस सिक्स और प्लस सिक्स को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो ये इस समीकरण पर फिट बैठ रहा है, तो हमारा आंसर मिल गया है ए। आगे भी करके देख लो, थ्री इंटू एक्स है ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, थ्री इंटू जीरो प्लस टू इंटू माइनस टू, वाई की जगह पे क्या रखना है, माइनस टू रखना है ना, और प्लस सिक्स, तो देखो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये माइनस फोर हो जाएगा और ये प्लस सिक्स हो जाएगा, तो माइनस फोर और प्लस सिक्स को जोड़ोगे तो दो आ जाएगा, जीरो तो आया नहीं है ना, तो ये इस समीकरण पे फिट नहीं बैठ रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए, तो सिक्स का सही आंसर हो गया ए। तो ये दोनों सवाल क्या थे, ग्राफ से जुड़े हुए थे है ना, पहला मैंने आपको बता दिया है कि ए और बी दोनों पर फिट बैठ रहा है, तो दोनों हमारा समीकरण हो सकता है, और छठा में सिर्फ ए पे फिट बैठ रहा है, तो ये ए ही है हमारा सही आंसर, देखते हैं क्या दिया हुआ है सही आंसर, और सही आंसर ए ही दिया हुआ है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं, वाई बाई फाइव बराबर एक का दो चरिए एक घातीय समीकरण का रूप क्या होगा, आप समझना इस बात को, क्या कह रहा है, दो चरिए एक घातीय समीकरण, माने कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में इसको बदलने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस समीकरण को जो कि अभी एक चर में दिख रहा है, एक चर में माने कि उसमें कितना चर है, सिर्फ वाई चर है, माने कि एक ही चर है, अब कह रहा है कि उसको दो चर में बदलो है ना, क्या करो, दो चर में बदलो, देखते हैं फिर दो चर में हम लोग कैसे बदल सकते हैं, और दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि दो चर में ही बदलाव होना चाहिए और एक घात का भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक घात का भी होना चाहिए, चलो करते हैं फिर, क्या लिखा हुआ है, y by 5 is equal to 1 है ना, तो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखो और दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक साधारण रूप क्या होता है, ax plus by plus c बराबर 0 है ना, इसको याद रखना है ना, कहीं पर भी एक दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हम लोग को लिखना है तो उसका साधारण रूप यही होता है, ax plus by plus c, c का मतलब है अचर, कॉन्स्टेंट है ना, और ax का मतलब पता ही है आपको, x हो गया आपका पहला वाला चर और y हो गया दूसरा वाला चर, और ये क्या है, अचर है ना, तो देखो y by 5 is equal to 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हो, y is equal to 5 लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना, क्योंकि इधर भाग में उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा है ना, अब देखो इसको दोबारा से लिख सकते हो, तो y minus 5 बराबर 0, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, दो को चर होना चाहिए, कितना चर, दो को चर, एक चर से काम नहीं चलेगा है ना, तो अब देखो इसमें x जोड़ना है, मतलब x चर जो है उसको जोड़ना है, ठीक है, पहली बात तो ये समझ लो है ना,
एक सदिश में जोड़ना है। और दूसरी बात कि इससे इस समीकरण पे कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तो ऐसा हम लोग कैसे कर सकते हैं, मान लिया कि एक से यहाँ पे जोड़ दिया फिर घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, बराबर जीरो हो गया, ठीक है। तो अब तो इससे तो पूरा का पूरा समीकरण ही बदल गया, एक एक्स्ट्रा एक्स हम लोग लगा दिए तो, है ना, समीकरण का रूप ही बदल गया। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक समय जीरो से गुणा करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे हम लोग प्लस भी लिख सकते हैं, लेकिन प्लस इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में प्लस वाला नहीं है, है ना। प्लस भी लिखोगे माइनस भी लिखोगे बात बराबर है, लेकिन ऑप्शन में से चुनना पड़ेगा ना कि कौन दिया हुआ है। तो माइनस वाला दिया हुआ है तो माइनस वाला सही आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखो जीरो एक्स माइनस वाई माइनस फाइव माइनस वन वाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। ऐसा जब लिख दिया हम लोग तो देखो ये तो जीरो है, इससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या, इस पर नहीं पड़ रहा। और इसमें देखो दो गो चर हो गया, एगो एक्स एगो वाई, और घात भी इसका क्या है, एक ही है ना। ये हो गया हमारा सही आंसर सी। अगला सवाल देखते हैं। आलेख को देखकर प्रश्न का जवाब चुने, रेखा एबी का समीकरण क्या होगा, है ना। चलो देखते हैं फिर एबी कहाँ पे, यहाँ देखो एबी जो है सो भी यहाँ पर है ना। तो देखो एबी कहाँ से गुजर रहा है, मूल बिंदु से होकर के गुजर रहा है, कहाँ से गुजर रहा है, मूल बिंदु से। तो देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मान क्या है, जीरो और जीरो है, ठीक ना। और यहां से जैसे ही ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इस जहां जितना मान y पर होगा उतना ही मान x पर भी होगा, क्योंकि ठीक बीच से गुजर रहा है। तो ये हो जाएगा एक एक, फिर उसी तरह से जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे आएगा, है ना। ऐसे जितना मान x पर उतना ही मान y पर, माने दो दो हो जाएगा, है ना, क्योंकि ठीक बीच से गुजर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x का वैल्यू और y का वैल्यू जो है सो कि क्या होगा, बराबर होगा। x का वैल्यू और y का वैल्यू बराबर किस में है, देखो c में है, y बराबर x लिखा हुआ है। तो यही हो गया हमारा सही आंसर, है ना। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, देखिए ये ठीक बीच से गुजर रहा है ना, तो जहां भी चला जाए जितना x का मान होगा उतना ही y का मान होगा। यहाँ देख लो यही पे देख लो मूल बिंदु से गुजरा है तो जीरो जीरो है, आगे अब जहां भी जाएगा x और y का वैल्यू बराबर ही रहेगा। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल है x माइनस थ्री बराबर रूट दो वाई, है ना, का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में निरूपण क्या है, इसमें से कौन इसका निरूपण है, ध्यान समझना इस बात को। ये भी इससे पहले वाला सवाल की तरह ही है जिसमें कहा गया था कि दो चर और एक घातीय समीकरण में लिखिए। तो दो चर तो इसमें दिख रहा है, ज्यादा दिक्कत है नहीं इसमें, और एक घातीय समीकरण भी ये है क्योंकि एक्स का पावर भी एक है और वाई का पावर भी एक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो साधारण सा रूप है, मैंने आपको पहले भी याद करने के लिए कहा था, यही है दो चर वाले रैखिक समीकरण का साधारण रूप, ठीक ना बाबू। अब देखना क्या लिखा हुआ, एक्स माइनस थ्री बराबर रूट टू वाई, है ना। अब इसको इस रूप में बदलना है, माने कि एक्स वाला एक तरफ, वाई वाला एक तरफ, और जो कॉन्स्टेंट है माने अचर है उसको भी एक तरफ, और दूसरी तरफ से भी क्या रखना है, जीरो रखना है। तो करना कुछ नहीं, देखो इस तरफ क्या रखना है, जीरो रखना है। तो रूट दो वाई को इस साइड ले आएंगे, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो और कहाँ रखेंगे, एक्स के बाद रखेंगे, एक्स वाले के बाद वाई है, तो एक्स के बाद रख दो, एक्स प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो माइनस रूट टू वाई, माइनस थ्री पहले से है तो रहने दो, और इधर अब हो गया जीरो। देखो एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी के रूप में बराबर जीरो के रूप में बदल गया, है ना। यहाँ पे प्लस भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे प्लस लगा दोगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे रहना क्या है, माइनस ही है अल्टीमेट, मतलब लास्ट में, है ना। सही आंसर हो गया इसका, एक्स माइनस रूट टू वाई माइनस थ्री बराबर जीरो। खोजो ऑप्शन में कहाँ पर है, यहाँ पर है, एक्स माइनस रूट टू वाई माइनस थ्री बराबर जीरो। तो सही आंसर हो गया इसका ए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, रैखिक समीकरण टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर दस का हल होगा। तो देखो मैंने पहले भी बताया था कि रैखिक समीकरण जो कि एक चर वाला होता है, जिसमें एक ही चर होता है, सिर्फ x या फिर सिर्फ y, कोई एक होगा, तो उसका जो हल होता है वो अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, ठीक है। और द्विघात समीकरण जो होता है उसका अधिकतम दो हल होता है, ठीक है, जिसका दुघात हो अधिकतम का, ठीक है। लेकिन इसमें देखो ये क्या है, ये दो चर वाला है, कितना है, ये दो चर वाला है, और साथ में क्या है, दो चर वाला होने के साथ साथ क्या है, रैखिक समीकरण है। क्या है, रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण मानेगी जिसका अधिकतम घात एक हो। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का कितना हल होता है, अनंत हल होता है, अनगिनत हल होता है, ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था। तो इसका सही आंसर हो गया सी, ठीक है बाबू। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, है ना।
और एक चर वाले रैखिक समीकरण के अद्वितीय हल एक हल होते हैं और द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं। उसके अलावा बहुपद चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जितना घात होगा उतना हल होगा, चर क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, है ना। द्विघात समीकरण का दो हल, त्रिघात समीकरण का तीन हल, है ना, चार होगा अधिकतम घात तो चार को हल निकलेगा, लेकिन चर एक ही होना चाहिए। जब चर दो हो और रैखिक समीकरण हो तो अनंत हल, कितने अनंत हल, तो सही जवाब हो गया इसका सी। अगला सवाल है, दो चरों में एक घातीय समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो है, तो ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। देखो ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये बात भी याद रखना, मान कि एक्स में जिस नंबर से गुना हुआ है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना, इस सवाल में ये लिखा हुआ। चलो ये बात भी याद रखना। अब अगला सवाल देखो, इसका हल युग्म क्या होगा, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। और ये ए बराबर जीरो क्यों लिखा है, ये बराबर जीरो इसलिए लिखा है, जीरो नहीं है ये इसलिए लिखा है, इसका मतलब होता है कि बराबर नहीं है, ठीक है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि देखो ए अगर जीरो के बराबर हो जाएगा तो जीरो गुने एक्स माने की तो जीरो हो गया, है ना, तो मतलब कि खत्म हो गया, माने कि अब क्या बच गया, अब एक चर खत्म हो गया, तो अब कितना चर बचा, एक चर बचा वाई, है ना, इसका मतलब क्या है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण बना ही नहीं, ये क्या बन गया, एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या हल होगा, रैखिक समीकरण माने कि एक घातीय समीकरण दोनों एक ही चीज है, ठीक, तो बताओ कितना हल होगा, क्या कर रहा है, दो चरों में एक घातीय समीकरण का हल क्या हुआ, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होता है वो अनगिनत हल होता है, क्या होता है, अनगिनत हल होता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए अनगिनत, गलत लिखा हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनगिनत हल होता है, अद्वितीय हल होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण का, ठीक है, तो सही आंसर है इसका ए, है ना। चलो अगला सवाल है, ये आपको ठीक करके मिलेगा। अगला सवाल है कि x बटे 5 बराबर है 3 के, तो दो चरों में व्यापक समीकरण के रूप में इनमें से कौन होगा, है ना। अब इसको क्या करना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में इसको बदलना है, तो ये भी पिछले सवाल वाले की तरह ही है जो पीछे हम लोग बनाए हैं, क्या लिखा हुआ है, x बाई 5 बराबर 3, है ना, x बटे 5 बराबर 3 है, तो क्या करोगे, x बराबर होगा किसके, 5 से 15 के, है ना, इधर प्लस में इधर ले आओगे माइनस में हो जाएगा, बराबर इधर हो गया 0, है ना। अब देखो दो चर में होना चाहिए, कितने चर में, दो चर में, लेकिन हमारे पास एक ही चर है, तो दूसरा चर के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक्स प्लस या माइनस जीरो वाई कर देंगे, है ना, तो देखो वाई वाला यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस जीरो वाई कर दो और माइनस 15 कर दो बराबर जीरो, अब इसमें से खोजोगे कहाँ पर है, यहाँ पर देखो तो माइनस जीरो वाई भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि उसको तो बाद में गुना होकर जीरो ही होना है और गायब होना है, है ना, लेकिन फिर ऑप्शन में हमको खोजना पड़ता है ना, ठीक है, तो ऑप्शन में देखो माइनस वाला दिया है प्लस वाला दिया है, तो एक काम करो कि यहाँ प्लस माइनस लिख लो, है ना, तो प्लस वाला भी हमारा आंसर है और माइनस वाला भी हमारा आंसर है, तो देखो तो माइनस जीरो वाई किसी में है क्या, नहीं है, सिर्फ प्लस में जीरो वाई है, तो यही हमारा हो गया सही आंसर, है ना। तो 12 नंबर क्वेश्चन भी बच चुका है। अगला सवाल देखो, समीकरण 3x माइनस 5y बराबर 17 में x तथा y के गुणक क्या होंगे, है ना, गुणक का मतलब कि जिस संख्या से गुना हुआ है उसी को कहते हैं गुणक, तो 3x माइनस 5y बराबर 17 है, x का गुणक क्या होगा बताइए, x में कौन से किस संख्या से गुना हुआ है, 3 से हुआ है, और y का गुणक क्या है, y में किस संख्या से गुना हुआ है, बताओ बाबू, y में माइनस 5 से गुना हुआ है, किससे, माइनस 5 से गुना हुआ है, तो x का गुणक 3 है और y का गुणक माइनस 5 है, तब आंसर में खोजो 3 और माइनस 5 कहाँ है, यहाँ पर है 3 और माइनस 5, तो सही आंसर हो गया इसका a, क्या हो गया a, चलो सही आंसर हो गया a, ये भी बन गया। अगला सवाल देखना, समीकरण x माइनस 5 बराबर माइनस रूट 5y का व्यापक रूप में निरूपण इनमें से कौन सा होगा, ठीक है, तो वही करना है, ax plus by plus c बराबर 0 के रूप में लिख देना है ना, हाँ, और देखो इसमें ज्यादा दिक्कत है नहीं, इसमें क्या है, देखो y वाला भी दिया है, x वाला भी दिया हुआ है और अचर पद भी दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, बस एक तरफ सबको ले आना है, 0 को दूसरी तरफ कर देना है, बस इतना ही तो काम करना है, तो देखो x वाले को पहले लिख देंगे, y वाला बराबर के उस तरफ है और माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x plus root 5y, माइनस 5 है तो माइनस 5 लिख दो और बराबर 0 हो गया, ठीक है, अब देखो कहाँ पर है, किसमें, x प्लस रूट 5 माइनस 5, देखो यहाँ पर है ना, यही हो गया हमारा
सही आंसर बी। ठीक है चलो, तो ये 14 नंबर सवाल भी बन गया। व्यापक रूप में लिखने का मतलब यही होता है ना, एक बार समझ लो, व्यापक रूप में लिखने का मतलब यही है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, इस रूप में लिख देना है ना। अब ये रूप क्या है, देखो x वाले को पहले लिखना है, उसके बाद y वाले को लिखना है, उसके बाद जो अकेला नंबर है मैंने जो अचर पद है उसको लिखना है, और इस तरफ में जीरो रखना है, बस यही होता है व्यापक रूप का मतलब। तो ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। समीकरण y बराबर ए एक्स प्लस फाइव का हल 3 और 11 है, तो a का मान क्या होगा। चलिए तो इस तरह के सवाल बनाते हैं हम लोग, ये सभी बहुत ही आसान है ना। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे बनाते हैं y बराबर ए एक्स प्लस फाइव है ना, और इसका हल क्या है 3 और 11 है। 3 और 11 कहने का मतलब क्या है, पहला वाला किसका मान होता है x का, और दूसरा वाला y का। ठीक है, तो सब इस सब में क्या करो कि मान रख दो सबका, x का मान रख दो और y का मान रख दो। तो देखो सबसे पहले y है, y का मान क्या है 11 है, तो 11 रख दो, और a a का मान निकालना है तो a को a ही रहने दो, और x का मान क्या है 3 है, तो गुणे 3 और जोड़ 5 है ना। ये क्या आ गया, ये आ गया 11 बराबर 3d a प्लस 5। अब यहाँ से a का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, बहुत आसान है, आराम से निकल जाएगा है ना। इसको तुम उलट के भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज्यादा परेशानी है तो उलट दो इसको, 5 प्लस 3 a बराबर 11, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, अब 5 इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 11 माइनस 5 कितना आता है बाबू, 6 आता है ना। अब देखो अब क्या निकल गया, 3a बराबर 6 आ गया है ना। अब a का वैल्यू निकालना है तो a से 3 में इधर गुना हुआ, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 3 दुनी 6 कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो कहाँ पर है, तो b में है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा सही आंसर। तो करना कुछ नहीं है, बस इस समीकरण में x के जगह पर 3 और y के जगह पर 11 रखना है, और इसको हल कर देना है, सही उत्तर हमें मिल जाएगा। तो ये सवाल भी बन चुका। पहला सवाल है, समीकरण 6x माइनस y बराबर 0 का हल 0 और y है, तो इनके आलेख के बारे में कौन सा सत्य है। ठीक है, तो इसको भी समझो क्या है, समीकरण है 6x माइनस y बराबर 0। ठीक है बाबू, अब देखो ध्यान से, इसका हल भी दिया हुआ है 0 और y, मतलब x का वैल्यू 0 दिया है और y का वैल्यू y ही दिया है ना, यानी कि y को बदलना नहीं है ना। क्या करोगे, देखो 6 के x के जगह पे 0 रखो तो 0 माइनस y बराबर 0। ठीक है बाबू, यहाँ से y का मान निकालो, y का मान निकल जाएगा, कितना हो गया 0 माइनस y हो गया, 6 से 0 में गुणा करोगे 0 हो जाएगा है ना, माइनस y बराबर 0 हो गया, ये माइनस उधर जाएगा खत्म हो जाएगा, तो y बराबर 0 हो गया। इसका मतलब क्या है कि हल क्या है 0 और 0 है, x भी 0 के बराबर है और y भी 0 के बराबर है, क्योंकि x का मान दिया है, तो इसमें जब x का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, दोनों कितना है 0 आया है ना। इसका मतलब क्या है कि दोनों जो है सो कि 0 और 0 है, तो 0 और 0 जो है वो ग्राफ के किस जगह से गुजरता है, 0 और 0 कहाँ होता है, यहाँ पे होता है ना, इस जगह पर। और पिछले अध्याय में बताए थे आपको कि इस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ग्राफ जब इस बिंदु से गुजरता है तो यहाँ पर इसका मान क्या होता है, 0 और 0 होता है, मतलब x का मान भी 0 और y का मान भी 0, और ये कहाँ से गुजरता है, मूल बिंदु से गुजरता है। तो ये जो आलेख है जिसको कि इंग्लिश में ग्राफ कहते हैं, ये कहाँ से गुजरेगा, मूल बिंदु से गुजरेगा, यानी कि 0 और 0 से गुजरेगा, तो सही आंसर हो गया ए। चलो अगला सवाल देखते हैं, समीकरण 6kx प्लस 12ky बराबर दिया है 96 के, बराबर क्या दिया है 96 के, और इसका हल है 2 और 3, तो k का मान क्या होगा ये निकालना है ना। तो चलो बनाते हैं, क्या दिया भाई, 6kx प्लस 12ky, तो यहां लिख लो 6kx प्लस 12ky बराबर 96 दिया। ठीक है बाबू, अब देखो ध्यान से, अब वैल्यू दिया है 2 और 3, माने कि हल है इसका 2 और 3, कुछ इस तरह से है ना। अब इस हल का क्या मतलब है कि x और y का मान दिया है, x दिया है 2 और y दिया है 3, तो जहां जहां x है वहां वहां 2 रखो, और जहां जहां y है वहां 3 रखो। देखो यहाँ पे 2 रखोगे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 × 12 के, और यहाँ पे y के जगह पे 3 रखोगे तो 12 × 36 के, बराबर दिया है 96। अब k का मान निकालना है, पहले देखो दोनों में क्या कॉमन है, 12 कॉमन है, तो बाहर निकाल लिया, यहाँ बच गया k प्लस 3k, 12 × 36, और यहाँ बच गया 96। देखो इधर 12 से गुना हुआ, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 96 बटे 12
है ना। और इधर देखो के प्लस थ्री के एक गो आम है तीन गो आम, क्या गो आम चार गो आम, एक गो के और तीन गो के, क्या गो के चार गो के, है ना। ये कट गया बारह आठ छियानवे, तो के का मान क्या निकलेगा, इधर गुना हुआ उधर भाग हो जाएगा, तो आठ बटे चार, चार दुनिया आठ, कितना आंसर दो आया। ध्यान से देखो करना कुछ नहीं है, कहाँ गया सवाल यहाँ पे, बस एक्स के जगह पे दो रख दो और वाई के जगह पे तीन रख दो और फिर इस समीकरण को सुलझा लो, फिर आंसर आ जाएगा। तो सही दो किस में दिया, देखो सी में दिया है, तो सही आंसर हो गया इसका सी। ठीक है, अगला सवाल है, जिन बिंदुओं के भुज तथा कोटि समान होते हैं वे किस रेखा पर होते हैं। तो ये भी पिछले सवालों की तरह ही है, और भुज और कोटि का मतलब मैं आपको पिछले पाठ में बता चुका हूँ, भुज जो होता है वो एक्स का मान और कोटि जो होता है वो वाई का मान होता है ना। तो इसके कहने का अर्थ है कि जब भुज और कोटि दोनों समान हो, मैंने भुज अगर एक है तो कोटि भी एक है, भुज दो है तो कोटि भी दो है ना, मैंने एक्स दो तो वाई भी दो, एक्स तीन तो वाई भी तीन। ठीक है, तो इस तरह का जब ग्राफ बनेगा तो कैसे बनेगा ये बात भी समझ लेना है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ कहाँ पे जाएगा ये भी समझना। देखो यहाँ पे मान लो कि इस तरह से, अरे मान लो कि यहाँ पे ये ग्राफ बन रहा है, ठीक है, तो एक यहाँ पे भुज और कोटि समान होगा तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा यहाँ पर, है ना। फिर जब y भी दो हो और x भी दो हो तो ग्राफ कहाँ बनेगा, कुछ इस तरह से यहाँ पर बनेगा, है ना। तो ये जो रेखा गुजरेगी ये मूल बिंदु से होते हुए बिल्कुल बीच से गुजरेगी, इसका मतलब क्या है कि वो जो रेखा होगी वो दोनों अक्षों से सम दूरस्त होगी, है ना। यानी कि ये जो ग्राफ बन रहा है ये क्या बन रहा है, ये जो रेखा बन रही है क्या है, ये दोनों अक्षों से समान दूरी पर है, बिल्कुल बीच से होके गुजर रहा है। क्यों, क्योंकि भुज तथा कोटि दोनों समान है, जितना एक्स का वैल्यू उतना ही वाई का वैल्यू। तो इसका सही आंसर हो गया सी, है ना, इसका सही आंसर होगा सी, बना लेना। अगला सवाल है, आलेख वाई बराबर एक्स पर स्थित किसी बिंदु का रूप इनमें से कौन होगा। आलेख वाई बराबर एक्स पर स्थित किसी बिंदु का रूप इनमें से कौन सा हो सकता है, बताइए। तो देखो आलेख y बराबर x का मतलब क्या है कि y और x दोनों का वैल्यू जो है सो कि बराबर है, मैंने ये एक है तो ये भी एक है, ये दो है तो ये भी दो है, है ना। तो इसी तरह से देखो इसमें कौन दोनों में बराबर है, यहाँ पे p और p दोनों बराबर है, जीरो और p दोनों बराबर है नहीं है, p और जीरो दोनों बराबर नहीं है, तो p और p ये दोनों बराबर है यानी कि एक ही जैसा मान है, तो इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ए, क्योंकि दिया हुआ यहाँ पर कि y और x दोनों बराबर है, तो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि देखो y बराबर x है, x को जब इस साइड लाओगे तो y माइनस x बराबर जीरो होना चाहिए ना। देखो यहाँ पे p माइनस p घटाओगे तो हर स्थिति में जीरो ही होगा, है ना, हर परिस्थिति में ये जीरो ही होगा क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है, है ना। यहाँ देखो जीरो माइनस p, हो सकता है p का कुछ और मान हो, है ना, तो ये जीरो आना आ सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार आए, है ना, और इसमें भी जरूरी नहीं क्या है, लेकिन यहाँ पे देखो p और p दोनों बराबर है तो हर परिस्थिति में दोनों को घटाने पर जीरो ही आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है हमारा ए। अगला सवाल है, किसी रेखा y बराबर चार के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ध्यान समझना, है ना, अब y बराबर चार है तो देखो यहाँ पे ये वाला हो गया, है ना, तुम्हारा ग्राफ। ठीक है, ग्राफ हो गया, y बराबर चार है यानी कि कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, एक दो तीन और चार। y बराबर चार का ग्राफ कैसे बनेगा, यही ना बनेगा, y बराबर चार, y किसके बराबर है, चार के बराबर है, माने y बराबर चार का मतलब है कि y का मान हमेशा चार के ही बराबर रहेगा, x का मान चाहे कुछ भी ले लो, ऊपर जाएगा किसको काटेगा, इसी वाले ग्राफ को ना काटेगा, तो इसका मान कितना रह जाएगा, चार रह जाएगा। ठीक है, ये वाली जो रेखा है ये क्या है, ये किसके समांतर है, इस रेखा के समांतर है, ये कौन सा अक्ष है, x अक्ष है। ठीक है, तो y बराबर चार के लिए यह रेखा x अक्ष के समांतर होगा, हमेशा ये रेखा क्या होगा, x अक्ष के समांतर होगा। अब देखो यह रेखा मूल बिंदु से तो गुजर नहीं रहा है, तो गुजर रहेगा, मूल बिंदु यहाँ पर है, नहीं गुजर रहा है। यह रेखा y अक्ष के समांतर है, तो देखो y अक्ष ही है, इसके समांतर ही वाला है क्या, नहीं है। यह अक्ष x अक्ष के लंबवत है, लंबवत मतलब कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ई वाला इसमें 90 डिग्री का कोण बना रहा है क्या, नहीं बना रहा है, तो सही आंसर हमारा बी मिल चुका है। अगला सवाल है, समीकरण 3x प्लस 9 बराबर 0 के कितने हल होंगे। तो सीधी सी बात है कि आप हल निकाल के भी देख सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ये किस तरह का समीकरण है, ये एक रैखिक समीकरण है, एक चर वाला, कितने चर वाला, एक चर वाला रैखिक समीकरण, कितना चर है इसमें, एक चर है, एक से सिर्फ, है ना। और एक चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, एक हल होते हैं, सिर्फ एक हल। तो सही आंसर हमें मिल गया ए।
हमें पता है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक ही हल होता है, इसलिए एक लिख दिया है ना। अब ज़्यादा आपके पास समय है तो निकाल कर देख लीजिए भाई, 3x + 9 = 0 है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो तो इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में चला गया, x बराबर हो गया -9/3, कट के कितना आ गया -3 आ गया, x = -3। तो कितना हल निकला, एक हल निकला ना, एक सॉल्यूशन निकला ना, तो सही आंसर है एक, है ना। और ऐसे याद रखना कि एक चर वाला रैखिक समीकरण होना चाहिए, रैखिक समीकरण माने कि पावर एक होना चाहिए, ठीक ना। चलो अगला सवाल है, समीकरण 2x + 3y = 14 का हल कौन है। अब इसमें भी हमको क्या करना है, इन सभी हलों को इसमें रख करके देखना है, अगर 14 के बराबर आ जाता है तो हल है, अगर नहीं आता है तो हल नहीं है। चलो देखते हैं, तो 2.5 है, 2.5 से 2 को गुना करोगे तो 5 हो जाएगा, है ना। और 2.5 × 2 कितना होता है, 5 होता है ना। तो 2.5 × 2 5 हो गया, जोड़ है तो जोड़ लिख दो, और y का मान कितना है, 3 है, 3 × 3 = 9, 9 × 5 कितना आता है, 14। तो पहला ही हमें ऑप्शन आंसर मिल चुका है, ठीक है। तो आगे बढ़ने की वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए करके देखते हैं। 3 है यहाँ पे x का वैल्यू, तो 3 × 2 = 6 हो गया जोड़, 5 है y का वैल्यू, तो 5 × 3 = 15 हो गया, 15 × 6 = 21 होता है। तो ये हमारा आंसर नहीं है, हमें अपना आंसर मिल चुका है। इसको भी करके देख लो, x का वैल्यू 5 दिया था, 5 × 10 जोड़ है तो जोड़, y का वैल्यू 4 दिया है, 4 × 3 = 12, 10 × 12 = 22, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। उसी तरह से ये भी तुम करके देखो, 14 के बराबर नहीं आएगा, इसका मतलब कि इसका हल नहीं है, है ना। यानी कि जो हल दिया है वो इस समीकरण में संतुष्टि मिलना चाहिए, है ना। यानी कि उस हल को इसमें रखने पर क्या होना चाहिए, फिट बैठना चाहिए, नहीं बैठा तो हल नहीं है। अगला सवाल है, समीकरण x − 2y = 4 का हल क्या है, बताइए। अब देखो फिर उसी तरह से करना है, जो भी मान दिया है उसको इसमें रख के देखो, अगर फिट बैठ रहा है तो हल है, नहीं बैठ रहा है तो हल नहीं है। x क्या है, 0 है तो 0 रख दो, −2 × y का वैल्यू क्या है, 2 है तो 2 × 2 = 4 कितना हो गया, 0 − 4 क्या होता है, −4 होता है, लेकिन यहाँ पे तो 4 दिया है, तो ये हल है नहीं है। आगे देखो, x 2 है तो 2 लिख दो, और माइनस y का वैल्यू क्या है, 0 है, तो 2 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर आ गया 2, लेकिन यहाँ पे 4 दिया है, तो ये भी हल नहीं है। देखो 8 और 2 है तो x का जगह पे रखोगे 8, −2 y के जगह पे क्या है, 2, तो 2 × 2 = 4, 8 में से 4 घटा 4, देखो 4 आया, तो ये क्या है, ये हमारा हल है, क्योंकि इसमें x के जगह पे 8 रखने पर और y के जगह पर 2 रखने पर इस समीकरण में फिट बैठ रहा है, तो सही आंसर हो गया सी। तो आंसर हमें मिल चुका है, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए बढ़ रहे हैं कि आपको संतुष्टि हो। तो देखिए, x के जगह पे -2 है और y के जगह पर 0 है, तो देखिए x के जगह पे रखिए -2, और उसके बाद माइनस है तो माइनस, और उसके बाद 2 है तो 2, और y के जगह पे क्या है, 0, तो 2 से 0 को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसको 0 कर दीजिए, −2 − 0 क्या होगा, −2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 4 दिया है, तो वो भी हमारा हल नहीं है। अगला सवाल देखिए, समीकरण 3x + 5y = 12 के कितने हल होंगे। तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, बस ये समझ लो कि 3x + 5y = 12 ये क्या है, ये किस तरह का समीकरण है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। कैसा, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब जब ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो इसके x दोगे, x 0 के बराबर नहीं है, है ना, x 0 के बराबर रहता तो वो कट के 0 हो जाता है ना, लेकिन यहाँ पे x 0 के बराबर नहीं है, है ना, तो इसके कितने हल होंगे। तो मैंने आपको बताया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं, माने अनगिनत हल होते हैं, तो सही आंसर हो गया इसका डी, अनगिनत। अगला सवाल है, यदि सी और टू समीकरण 2x + 3y = 10 का एक हल हो तो सी का मान क्या है। चलो तो ये भी सवाल बढ़िया है, लेकिन इससे पहले इस तरह का सवाल बनाया जा चुका है, तो आप बना सकते हैं इसको। चलिए देखते हैं, यहाँ देखना ध्यान से, सी और टू क्या है, इस समीकरण का हल है, माने एक्स का वैल्यू सी रखना है और वाई का वैल्यू 2 रखना है, है ना। चलो रख के देखते हैं, पहले यहाँ पे लिख लो क्या लिखा हुआ है, 2x + 3y = 10, है ना, और हल क्या है इसका, हल है सी और टू, यही हल है, ठीक है। तो एक्स के जगह पे सी रखो तो 2c हो गया, +3 × y के जगह पे क्या है, 2, तो 3 × 2 = 6, तो यहाँ 6 कर दो, अब बराबर 10, ठीक है। अब सी का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, इससे आसान कुछ है दुनिया में, कुछ नहीं है, सी का वैल्यू निकाल लो, इधर 2c रखो, इधर ही प्लस में उधर जाएगा माइनस में चला जाएगा, 10 में से 6 घटेगा 4 हो जाएगा, है ना। अब सी का वैल्यू निकालना है तो इधर देखो,
इधर दो से गुना हुआ उधर भाग हो जाएगा तो चार बटे दो भाग कर दो दो आ गया, ऐसा निकल गया। कहाँ है तू? यहाँ पर बी में। तो सही आंसर हो गया इसका बी। तो ये सवाल भी बन गया। अगला सवाल है, यदि एक्स बराबर है माइनस दो के और वाई बराबर है तीन के, ठीक है बाबू, तो समीकरण थ्री एक्स प्लस फाइव वाई बराबर के हल है, तो के का मान क्या होगा? माने कि ये हल दिया है माइनस दो और तीन, है ना, ये दोनों क्या है, इस समीकरण का हल है, तो के का मान क्या निकलेगा? तो साधारण सी बात है, आपको स्पष्ट दिख रहा है ना कि एक्स किसके बराबर है, माइनस दो के, और वाई किसके बराबर है, तीन के। तो एक्स के जगह पर माइनस दो रखो और वाई के जगह पर तीन रखो, के का वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा देखो, तीन गुने एक्स के जगह पर माइनस दो जोर पाँच गुने वाई के जगह पर तीन, है ना, और ये किसके बराबर है, के बराबर है। तीन गुने माइनस दो हो गया माइनस छः जोर पंद्रह बराबर के, है ना, अब पंद्रह और माइनस छः दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, नौ हो जाएगा, तो के का मान निकल गया नौ। देखो सी में है नौ, सही आंसर हो गया सी, है ना, माइनस छः प्लस पंद्रह क्या होगा, नौ होगा। चलो अगला सवाल देखो, नीचे में दिया गया आलेख निम्नलिखित में से किस समीकरण का आलेख है? अब चलो आलेख देखो कहाँ पे है, आलेख माने कि इंग्लिश में कहते हैं ग्राफ, तो ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ। चलो देख लो, अब कह रहा है कि ये जो ग्राफ है ये किस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो चलो देखते हैं फिर आराम से, है ना। तो देखो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं ना, पहला कोऑर्डिनेट क्या है देख रहे हैं यहाँ पे, पहला जो हल है वो दिया हुआ है एक और दो, क्या दिया हुआ है एक और दो, इसका मतलब है कि एक्स दिया हुआ है एक और वाई दिया हुआ है दो, माने कि जब एक्स का वैल्यू एक रखा जाता है इस ग्राफ के लिए तो वाई का वैल्यू दो आता है, और इसी ग्राफ के लिए जब एक्स का वैल्यू माइनस एक रखा जाता है तो वाई का वैल्यू माइनस दो आता है ना, तो दोनों इसी ग्राफ का हल है। तो मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल हो सकते हैं ना, तो यहाँ पे दो हल दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं, समझना ध्यान से, अब पता करना है कि इस चारों में से किसका है ये हल, है ना, तो किस समीकरण का ये हल है या फिर किस समीकरण का ये ग्राफ है ये पता करना है। तो x का मान और y का मान दिया हुआ है, रख के देखो जिस पे सेटिस्फाई हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, इसका समीकरण हो जाएगा। देखो पहले लिखा है x प्लस वाई बराबर जीरो, क्या लिखा है, x प्लस वाई बराबर जीरो लिखा है पहला ऑप्शन में, है ना। तो अब देखो x और y को जोड़ो तो एक और जो दो कितना आया, तीन आया, लेकिन यहाँ दिया हुआ है जीरो, तो ये इसका समीकरण है क्या, नहीं है। इसको भी जोड़ के देख लो, माइनस एक जोर माइनस दो क्या आ गया, माइनस तीन आ गया, तो ये भी ये समीकरण बिल्कुल ही नहीं है इस ग्राफ का। दूसरा दिया है वाई बराबर टू एक्स, वाई बराबर टू एक्स क्या दिया हुआ है, वाई बराबर टू एक्स, तो वाई का मान कितना है बाबू, दो है, दो रख दो, है ना, दो गुने एक्स का मान क्या है, एक रख दो, तो दो बराबर दो आया, तो दोनों तरफ दो आ गया ना, इसका मतलब है कि इस समीकरण पे फिट बैठ रहा है ना। इसको भी रख के देख लो, वाई का मान यहाँ पे माइनस दो दिया है तो माइनस दो रख लो, और टू एक्स दिया है तो दो गुने यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस वन है, तो माइनस वन, माइनस दो बराबर माइनस दो आ गया, तो दोनों तरफ फिट बैठ गया ना, तो इस समीकरण को ये वाला जो ग्राफ है वो सेटिस्फाई कर रहा है, इस पर फिट बैठ रहा है, तो इसलिए हमारा सही आंसर है बी, वाई बराबर टू एक्स, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये वाला, ये किस समीकरण का है, वाई बराबर टू एक्स का है, ठीक है। वाई बराबर एक्स देखो सी में दिया है, वाई बराबर एक्स, तो देखो तो वाई और एक्स बराबर है क्या, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी नहीं है ना बराबर, तो इसका भी नहीं होगा। उसी तरह से इसको भी करके देखना, इसका भी नहीं होगा, सही आंसर हमें मिल चुका है बी में। अगला सवाल देखिए, किसी एक घातीय समीकरण ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो में कौन शर्त अति आवश्यक है ना, तो आप इसको ध्यान से समझना, थोड़ा सा सोचोगे ना तब समझ में आ जाएगा ये सवाल। सवाल है कि ए एक्स प्लस बी और ये एक घातीय समीकरण है, क्या बाबू, एक घातीय समीकरण है, यानी कि इसमें कम से कम एक चर होना चाहिए और उसका घात क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, है ना। तो ध्यान से समझना, ए अगर जीरो के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो गुना एक्स करोगे तो एक्स भी गायब हो जाएगा, माने कि चर ही गायब हो गया, है ना, चर गायब हो गया तो फिर खत्म बात, सिर्फ क्या बच गया, एक अचर बच गया, माने कि एक नंबर बच गया, तब तो रैखिक समीकरण बना ही नहीं, है ना, नहीं बना ना, एक घात वाला रैखिक समीकरण बना ही नहीं, क्योंकि एक्स वाला सारा पद गायब हो गया, है ना, जैसे ही ए जीरो होगा एक्स वाला पूरा पद गायब हो जाएगा, है ना। तो किसी भी कीमत पर, किसी भी सिचुएशन पर ए जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वही बात तो यहाँ पे लिखा है कि ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया हमारा सही आंसर। बी जीरो के बराबर हो सकता है, दिक्कत नहीं है, है ना, बी जीरो के बराबर हो सकता है ना, तो उससे दिक्कत नहीं है,
तो ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये अति आवश्यक शर्त है। तो सही आंसर हो गया ए। अगला सवाल है, समीकरण ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो के कितने वास्तविक हल समान है, है ना। तो यहाँ पे देख लो, ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो ये किस तरह का समीकरण है बता दो। ये है एक रैखिक समीकरण, कितने घात का, एक घात का, है ना। तो एक क्या कहते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण का कितना हल होता है, एक और सिर्फ एक हल होता है, है ना। और दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनगिनत हल होता है, ठीक है। तो चलो ये भी स्पष्ट है, ये दिख रहा है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण है तो इसका कितना हल होगा, सिर्फ एक हल होगा। अगला सवाल है, समीकरण ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो के अद्वितीय हल इनमें से कौन है। तो चलो ये भी क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है, है ना बाबू, एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब क्या करना है, इसका अद्वितीय हल माने कि सिर्फ एक और एक हल होगा, बताओ क्या हल, कौन सा हल होगा, है ना। तो हल निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं हल निकालने के लिए, है ना। आप लोग को आता है, पिछले अध्याय में भी बताए हैं ना, तो आप लोग चाहें तो इसका हल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो हल माने कि किसका मान निकालना है, x का मान, जो चर है उसी का मान निकालना है ना। तो चलो x को एक साइड रखो और बाकी सब को दूसरे साइड भेज दो। इधर b जो है जो कि प्लस में है तो इधर माइनस में हो गया, इधर a से गुना हो रहा है तो इधर भाग में चला गया, बस हो गया, बन गया सवाल। कौन सा हो गया, c हो गया। x का मान निकाल लीजिए। अब देखो x के जगह पे माइनस बी बटे ए रखोगे ना तो सब का मान जीरो हो जाएगा, हल का मतलब यही होता है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ से इस तरह से आप लोगों ने हल भी निकाल लिया। अगला सवाल है, यदि समीकरण 6x माइनस वाई बराबर जीरो का हल है, जीरो और y, ठीक है, तब इसका आलेख क्या होगा। तो देख लो, अभी ध्यान से देख लो, है ना, समझ लेना, 6x माइनस वाई लिखा हुआ है ना, और हल क्या दिया हुआ है, जीरो और y दिया है, माने x का मान दिया हुआ है जीरो, क्या दिया हुआ है, जीरो। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ जीरो रख दो, तो 6 × x के जगह पे जीरो रखोगे, अब माइनस वाई, वाई का मान वाई ही दिया है तो वाई ही रहेगा। अब देखो 6 × 0 क्या होगा, जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस वाई बराबर जीरो, यानी कि माइनस वाई बराबर जीरो, ये माइनस उधर जाएगा, गायब हो जाएगा, तो वाई बराबर जीरो, यानी कि क्या मान आया इसका, इसका मान आया जीरो और जीरो, क्या मान आया, जीरो और जीरो आया, है ना, यानी कि इसका हल क्या निकला, जीरो और जीरो, माने कि अगर एक्स जीरो है तो वाई भी जीरो होगा, किस समीकरण के लिए, इस समीकरण के लिए। अब जीरो और जीरो कहाँ से होकर गुजरता है ग्राफ पर, बताओ तो बाबू, लिखो तो जल्दी। जीरो और जीरो जो है माने एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो हमेशा मूल बिंदु से होकर गुजरता है, कहाँ से, मूल बिंदु से, यहाँ से, ई वाला जो है इसी को मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो सही आंसर होगा इसका ए, कहाँ से गुजरेगा, मूल बिंदु से गुजरेगा। अगला सवाल है, रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस के बराबर जीरो का हल दिया हुआ है 2 और 0, तो k का मान क्या होगा। तो ये भी बड़ा आसान सवाल है ना, हल दिया हुआ है 1, 2 और 0, माने ई किसका मान है, x का है, और ई किसका मान है, y का। जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दो और जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 रख दो, फिर k का मान अपने आप ही निकल जाएगा। चलो रखते हैं, 2 के बाद x है तो गुना x, x का मान 2, तो 2 जोड़ 3 गुना y का मान 0, तो 0 माइनस k बराबर 0। चलो आसान है, 2 × 2 = 4, 3 × 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस के बराबर 0, ठीक है बाबू। अब देखो ये क्या हो गया, 4 − k यानी 4 × k = 0 हो गया। अब k का मान निकालना है तो माइनस के इधर है, ये 4 उधर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, है ना। अब देखो ई माइनस गायब हो गया, तो k का मान आ गया 4, क्या आ गया, 4। तो सही आंसर क्या हो गया, 4 हो गया, बी में दिया हुआ है 4, देख लो, है ना। तो ये भी आसान सवाल था, और इस तरह से अगर आप सवाल बनाना सीख जाते हैं तो फिर बढ़िया है, फिर आपका एक भी सवाल नहीं छूटने जा रहा है। अगला सवाल देखो, यदि समीकरण y माइनस एक्स बराबर जीरो हो तो क्या होगा, दोनों अक्षों से समान कोणीय होगा, है ना। आप देखो ये क्या दिया हुआ है कि y माइनस एक्स बराबर जीरो, ठीक ना बाबू। तो इसका मतलब क्या है कि इधर देखो y क्या है, इधर माइनस में, सॉरी प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस एक्स इधर आ गया, y को इधर भेजे तो माइनस वाई हो गया, e माइनस और e माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर वाई हो गया। अब बताओ x बराबर y का मतलब क्या है कि ग्राफ में, मतलब कि जब किसी समीकरण का हल निकालेंगे और वो हल x बराबर y होगा तो इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर होगा, यानी एक एक होगा, दो दो होगा, तीन तीन होगा, इस तरह से होगा, जितना x उतना ही y होगा। तो इस तरह का सवाल बताए हैं ना आपको, अगर इस तरह से होगा तो ग्राफ कैसे गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा, पूरा बीचों बीच होकर गुजरेगा ऐसे, मैंने इसका भी एक यहाँ पे, इसका भी एक, तो एक एक, है ना। उसी तरह से दूसरा यहाँ से गुजरेगा, दो दो, है ना। तो ये क्या होगा, दोनों अक्षों से
एक अक्ष से और वाई अक्ष से समान दूरी पर होगा, क्या होगा, समान दूरी पर होगा, और साथ में समान कोणीय भी होगा, क्या होगा, समान कोणीय भी होगा, है ना। समान दूरी वाला तो ऑप्शन में है नहीं, समान कोण वाला दूरी पर है, ऑप्शन पे है, तो सही आंसर हो गया इसका ए, ठीक है। तो इस तरह से इस अध्याय में जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे उन सबों का अध्ययन आप लोगों ने कर लिया है। इसका जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है वो भी आप लोग निश्चित रूप से देख लीजिएगा, और मुलाकात होगी आप लोगों से फिर अगले अध्याय में। तब तक के लिए पढ़ाई करिए और अपना ध्यान रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, नहीं किए हैं तो अभी कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।